हेलो एवरीवन, वेलकम टू योग प्रिया चैनल। अब हम आ गए हैं दरबार स्क्वायर, जो कि हमारी नेपाल ट्रिप का आखिरी पड़ाव है। तो ये है पाटन दरबार स्क्वायर, जिसे कि ललितपुर के नाम से भी जाना जाता है, और ये राजा महाराजाओं की गली है। द सिटी ऑफ पाटन रिटेन्स इट्स ग्लोरी एज अ सिटी ऑफ कल्चर, रिलीजन, आर्ट एंड हिस्ट्री। यहाँ की खास बात ये है कि 1979 में पाटन दरबार स्क्वायर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, और 2018 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने ललितपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया। ये है पाटन म्यूजियम। ये काठमांडू वैली के फॉर्मर मल्ला राजाओं के शाही महल में है, और ये म्यूजियम नेपाल की ट्रेडिशनल आर्ट और आर्किटेक्चर को शो करता है। हमने देखा कि म्यूजियम में एक ओपन कोर्ट यार्ड है, जहाँ पर कल्चरल इवेंट होते हैं, और एक कैफे है, और आर्टिस्ट के लिए गेस्ट स्टूडियो और गिफ्ट शॉप भी है। और ये है सुंदरी चौक, जो कि भक्तापुर के मल्ला किंग का एक रिचुअल बाथिंग कोर्ट यार्ड है। तो ये एक ओपन म्यूजियम है, और यह नेपाल के कल्चरल हिस्ट्री और यहाँ के हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के लिविंग ट्रेडिशन को एक्सप्लेन करता है। सो पाटन इज वन ऑफ द मोस्ट आर्टिस्टिक बुद्धिस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड अ मस्ट विजिट अट्रैक्शन इन नेपाल। तो जब भी आप नेपाल आए, इस जगह को विजिट करना ना भूलें। ये है विश्वेश्वरा टेम्पल। 2015 में आए अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया है, और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये राजा योगा नरेंद्र का किंगडम है। कहा जाता है कि 17th सेंचुरी में अपने बेटे की मृत्यु के बाद राजा ने डिसाइड किया कि वह सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में रहने चला जाएगा, और जब वहाँ की प्रजा विलाप करने लगी तो राजा ने मैसेज भेजा कि जब तक 8 इम्पॉसिबल काम नहीं होंगे, वह किसी दिन अपने राज्य में लौट आएगा। जिसमें से कुछ इम्पॉसिबल काम थे कि राजा ने कहा, जब मेरी सोने की मूर्ति के ऊपर जो सोने की चिड़िया है, अगर वो स्वर्ग में उड़ जाए तो समझ लेना कि मेरी आत्मा भी स्वर्ग को चली गई है। दूसरी बात ये थी कि मंदिर की सीढ़ी पे खड़े जो पत्थर के हाथी हैं, अगर वो पानी में उतरते हैं और अपने हाथ कॉन्टेंट्स को पीते हैं, तो इससे भी पता चल जाएगा कि राजा योग नरेंद्र मल अब नहीं रहे। तो ये मंदिर के बाहर यहाँ पर है लोकल मार्केट, और इसे कहते हैं सिंगिंग बाउल्स। ये जो सिंगिंग बाउल्स है, ये बहुत पॉपुलर है अपने हीलिंग और रिलैक्सिंग साउंड क्वालिटी के लिए। तो पाटन एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न लोकल स्ट्रीट फूड का एक परफेक्ट ब्लेंड है। और ये है भक्तापुर, और यहाँ हमें एक गाइड भी मिले, जिन्होंने इस हिस्टोरिक प्लेस के बारे में काफी जानकारी दी। और अब हम लंच करने के लिए जाएंगे, क्योंकि सुबह से घूमते घूमते भूख लग गई है, और हम यहाँ के भक्तापुर के एक लोकल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। और ये है यहाँ का लोकल रेस्टोरेंट, और आप देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत और एंटिक पीस से सजावट है। Doll, see doll.
ज्यादा मारी तो मार खा के देखो एक और ये रोलिंग ना ना तो अंडा निकाली ना खाने लग रही है देख के अच्छा लग रहा है This is चावल का आटे का चीला एग क्या है ये है बारा हाँ कैसा लगा इसमें क्या डाला हुआ है इसमें क्या डाला हुआ है क्या बताओ क्या डाला हुआ है इसमें उड़द दाल और ये चटनी क्या है फ्राइड राइस मसूरी चावल अब हम जा रहे हैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर के खूबसूरत हिस्टोरिक गलियों में This is Dattatreya Square Temple and these two statues guard the entrance of the temple. ये temple three story pagoda style temple है. Pagoda मतलब शिवालय, शिव जी का मंदिर. हालांकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेपाल में विजिट करने का जो best time है वो अक्टूबर से दिसंबर ही है. हम लकी थे कि इस टाइम कोहरा ज़्यादा नहीं था और हमें विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिली. इस मंदिर का नाम है न्याता कोला मंदिर और निवारी लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है फाइव स्टोरीज द सिंबॉलिक ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स यही वो जगह है जहाँ बेबी फिल्म का सीन शूट किया गया था तापसी पन्नू आतंकवादी से मिलने आती है और अक्षय कुमार देखते ही भागता है वहाँ से सीढ़ियों से कूदते हुए आता है बिना सीढ़ी चढ़े और यहाँ से फिर उसके बाद पकड़ा जाता है और उस गिरुड बार में उस आतंकवादी को पकड़ता है ये जो आप देख रहे हैं ये भक्तापुर का एक पॉटरी मेकिंग एरिया है और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ये लोग काली मिट्टी का यूज़ करते हैं भक्तपुर दरबार स्क्वायर को स्क्वायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चार अलग अलग स्क्वायर में बटा हुआ है
दरबार स्क्वायर, तुम्हारी स्क्वायर, दत्तात्रेय स्क्वायर और पॉटरी स्क्वायर जो कि अभी हमने देखा, चारों को मिलाकर भक्तापुर दरबार स्क्वायर कहा जाता है। ये है जूजू खाओ, आप भक्तापुर आए तो इस डिश को जरूर ट्राई करें। और ये है आउटर भक्तापुर का।